इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। वो करते हैं जुर्म हालात की दुहाई देकर, उसी हालात ने तो कईयों को मसीहा बना दिया। ये शेर आज की इस कहानी को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। अचल कुट्टी और शरीफ हुसैन दोनों गरीबी में जन्मे, भूख और बदहाली के संग बड़े हुए। ना बढ़िया खाना मिला, ना ही कोई शिक्षा। अगर हालात और मजबूरी तय करते हैं जुर्म के रास्ते, तो दोनों जुर्म की राह पर बड़ी आसानी से चल सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। एक ने चुनी अच्छाई की राह, दूसरे ने जुर्म की। 70 के दशक में कर्नाटक के एक छोटे से गांव से जब अचल मुंबई आया, तो उसने एक कन्नड़ स्कूल में सिर्फ 7वीं तक की पढ़ाई की थी। अचल के पिता नहीं थे, घर की स्थिति ठीक नहीं थी। वो मुंबई पैसे कमाने आया था। उसने एक होटल में झाड़ू पोछे और वेटर का काम किया। लारा साहब, ए बेटा। नहीं साहब, चलता है। अचल की लगन और सच्चाई ने होटल के मालिक का दिल छू लिया। उसने अचल का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। अचल बेटा, तू बहुत आगे जाएगा, मैं तेरे को पढ़ाएगा। अब वो होटल में काम भी करता और पढ़ाई भी। देर रात गए पढ़ते पढ़ते जब थक जाता तो होटल में ही सो जाता। 8 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और इस दरमियान अचल ने ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उधर शरीफ भी बहुत ही गरीब घर का था। मिल में एक एक्सीडेंट की वजह से उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे और उनकी देखरेख का जिम्मा अब शरीफ के कंधों पे था। और एक दिन उसने जुर्म का रास्ता अपना लिया। मगर इसकी कहानी थोड़ी अलग है। वो जेल के कैदियों को डब्बा पहुंचाने का काम करता था। आज आपके लिए अच्छा है और सेठ सलाम। सलाम, कैसा है तू? मस्त। ए डब्बा सुन, ये वर्ली के थाने को पहुंचा सुमड़ी में, समझा क्या? ठीक है। और इसको रख। पैसा। छोटी सी उम्र में रोज उसकी मुलाकात खूंखार अपराधियों से होने लगी। उनकी बातें, उनका साहस, उनका पावर उसे लुभाने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया गैंगस्टर बनना। और वो शरीफ हुसैन से बन गया शरीफ डब्बा। दूसरी तरफ अचल को एक पुलिस ऑफिसर बनना था। वो ग्रेजुएशन के बाद इस कोशिश में लग गया। बात यह है कि जब अचल पुलिस की दुनिया में उतरने की तैयारी कर रहा था, शरीफ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा क्राइम प्लान कर रहा था। आलम भाई, आपके लिए। रफीक भाई, बिरयानी है, धमाल है, खा लेना। ठीक है भाई।
निपटन के मालिक चिंतन कामले को उठवा तो लूंगा, लेकिन उसका जो माल मिलेगा ना, उसका 50% मेरा। सुन बे, अपनी औकात में रह। क्या भाई, बस क्या जेल में बैठ के मेरे हाथ की बिरयानी खा के मेरे को औकात की बात कर रहे? गरज तुमको है ना, तो खर्चा भी तुमको उठाना पड़ेगा। आज का टोकन। काम बाद में, खाना पहले। थैंक यू। हां साहब, लंच। घोड़ा है भरा हुआ और डब्बा खाली। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे भेजे की पुर्जी इसमें भर दूंगा। चुपचाप चल, रुक तो ठुका चल। शरीफ रोज बड़े शिकार की फिराक में लगा रहता था और अचल ऐसे मुजरमों के शिकार में। एक दिन अचल की इस दिलेरी ने एसीपी हरपाल सिंह का ध्यान अपनी ओर खींचा और यही वो मोड़ था जहां से जोशीले अचल ने ईमान और फर्ज की राह पे शुरू किया खतरों से खेलना। वेलकम टू Encounter squad. Thank you, sir. तब से ड्यूटी ज्वाइन की है, बस इसी दिन का इंतजार था। Officers, come here. Inspector, अचल कुट्टी for you. आप लोग बातें कीजिए, I'll make a drink for myself. Excuse me. Sir, sir. Thank you. Hello. दो सड़क छाप रोमियों पर फायर कर देने से अंडरवर्ल्ड की जबान बोलनी नहीं आ जाती। ये चाहता तो अंडरवर्ल्ड की तरफ से भी बोल सकता था। बिजली के खंभों के नीचे पढ़कर ये ऑफिसर बनाया जाए। अगर इसने गर्द ली होती ना तो अंडरवर्ल्ड का शार्प शूटर होता। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वेलकम यंग मैन। थैंक यू सर। वेलकम। बनने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ दो पुलिस वाले? तुम जैसों के लिए दो पुलिस वाले ही काफी हैं। नजर रखो रे सड़क पे, यहीं आएंगे। जाएंगे कहाँ?
अचल, तेरी खबर तो पक्की है ना, वरना अफवाह सुनकर हम सब यहाँ अपनी टाइम खोटी तो नहीं कर रहे हैं? क्यों सर, आपके सारे इन्फॉर्मर्स गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। हम सब एक ही डिपार्टमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ सर, और मैं ड्यूटी ही कर रहा हूँ, उनसे पूछे जिसे दिक्कत है। अरे मैं सिर्फ तेरी खिंचाई कर रहा हूँ, ओके आगे से नहीं करूँगा यार। थैंक यू सर। मैं देखता हूँ सर। क्या हुआ? वो शायद बैटरी डाउन। अरे इंस्पेक्टर अचल कुटी, सलाम साहब। मैं तुमसे पहले कभी मिला हूँ? मुझे तो ऐसा याद नहीं। क्या बात कर रहे हैं, आपके काम के चर्चे तो बहुत फेमस है। जिस तरह से आपने वो ड्रग वालों को मार गिराया, फैन हूँ मैं आपका। बेटा है मेरा, जंग छिड़ जाए ना तो भी घोड़े बेच के सोते रहेगा। बचपन है, चल स्टार्ट कर। थैंक यू साहब। Then let's move. लॉली मैडम की पार्टी में जा रहे हैं। कौन हो तुम? हम लोग डॉक्टर हैं और तुम जैसों के रेप रोग का इलाज करने के लिए आए, परमानेंट इलाज। सेठ, तेरे घर का चिराग मेरी मुट्ठी में, भूख मारूंगा ना बुझ जाएगा। 25 पेटी लेके आ जाना। 25 पेटी? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अभी वो शाने, पिछले 6 महीने में 3 नए होटल खोला है तूने, तेरे पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास होगा? किसी डब्बे वाले के पास। भाई मेरा धंधा उधारी और चेक से होता है, बच्चे की कसम खा रहा हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं भी तेरे बच्चे की कसम खाता हूँ सेठ, तेरे पास उतना ही टाइम है जितनी देर तेरा मुन्ना सोया हुआ है। वो जैसा जागा और रोया, मैं उसे चुप कर दूंगा अपने स्टैंड में। मुझे पापा के पास जाना है। अंकल 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 पापा के पास जाना है। साहब बोलो। रजिया साहब, रहमत 4 की खोली नंबर 16 में पाशा के दोनों आदमी छुपे हैं और अगले 1 घंटे में वो लोग वहां से निकलने वाले हैं। तुम बहुत बहादुर हो रजिया। बहादुर नहीं साहब, मजबूर हूँ। इनाम के पैसों से मेरी अम्मी का इलाज होगा, मैं अपनी अम्मी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसकी नौबत नहीं आएगी रजिया। जान उनकी जाए, जो औरों की जान लेते।
सामने वाले घर में हो सकता है बादशाह के दो शार्प शूटर हो। मेरे हिसाब से दत्तू और डोनी हो सकते हैं। इन दोनों के नाम पे 6-6 सुपारियां उठाने का केस है सर। सुपर, मैं और राज जल्दी पहुंच रहे हो सर। तब तक वो निकल जाएंगे, मैं अकेला अंदर जा रहा हूँ सर। हमारे आने तक फायर मत करना। गारंटी नहीं लेता सर, पर कोशिश पूरी करूंगा। कौन है तू और यहाँ कैसे आया? बस आ। देख, इतने सवालों का जवाब देने की आदत नहीं है मुझे। मेरे सीनियर्स ने कहा कि जब तक वो आएंगे नहीं, तुम पे गोली ना चलाऊं, तो बस इसीलिए अभी तक जिंदा हो। तुम लोगों के पास 10 मिनट है, अपनी अपनी ड्रिंक पी लो। और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। करने को बोला था ना तुम लोग भी यार, मरने की इतनी जल्दी है ना। गम आदमी खोने का नहीं, गम पकड़ खोने का है। हमारे धंधे की गाड़ी डर के पेट्रोल पे चलती है, और ये साला इंस्पेक्टर अचल उसी को आग लगा रहा है। अगर मेरे लोग ही एनकाउंटर स्क्वाड से डरने लगे तो कैसा रहेगा मेरा खौफ इस बंबई में। भाई हॉस्पिटल से खबर आई है कि दत्तू अभी जिंदा है। तो उसे जिंदा अस्पताल से बाहर निकालो अभी। अगर वो अंदर गया तो मेरा बाहर निकालना मुश्किल है। मुझे दत्तू चाहिए जिंदा अभी। भाई ये काम शारिफ डब्बा वाले को देते हैं। वो लौंडा कर पाएगा? भाई शारिफ जेलों में और हॉस्पिटलों में कैदियों को डब्बा सप्लाई करता है, पूरी अंदर तक पहुंचे साले की। आदमी भरोसे का है? हाँ 100%। इसकी वफादारी सिर्फ रोकड़े से है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो जितना मुंह खोलता है उससे दुगना दो उसे। दत्तू को लाओ, दत्तू को लाओ पहले। अब दत्तू डेंजर के बाहर है सर। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डाली, उसका क्या? जिंदगी का क्या है सर, आज नहीं तो कल तो जानी है। अफसोस इस बात का है कि आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। Just forget it. It's a teamwork. अफसोस तो तब होता ना जब ये बादशाह के दोनों शूटर्स बच निकलते। कम से कम ये दत्तू तो हाथ आया। हाँ सर, इस दत्तू का बयान बादशाह के लिए बहुत बुरी खबर है सर। क्या हुआ? सर इस बच्चे को मैंने कहीं देखा है सर। कहाँ? बेटा है मेरा। सर आपको याद है जब हम 3 रेपिस्ट को ट्रेस कर रहे थे तो बीच में एक गाड़ी आ गई थी। तुमने उस गाड़ी वाले से कुछ बात भी की थी? हाँ सर, उसका चेहरा मुझे उस वक्त भी अजीब लगा था, इसलिए उसका चेहरा और उस गाड़ी का नंबर मेरे दिमाग में पूरी तरह रजिस्टर्ड है। ब्लडी हेल। चल लंच कर ले कैंटीन में। ए ध्यान रखना। अपना वार्ड नंबर 107 किधर है? ये सामने। हाँ भूल गया था, सॉरी। अच्छा सलाम साहब, साहब आपके लिए स्पेशल कलेजी फ्राई, एकदम उंगली चाट सालन है। सब जाओ।
हाँ साहब सलाम। ओहो क्या लाया? एकदम गरम गरम कलेजी फ्राई। भाभी के हाथ का खाना मजा आ जाएगा। ये देखो। अरे ये क्या कर दिया? गर्मा गर्म गिरा दिया हाथ के ऊपर, जला दिया हाथ को। सॉरी साहब, आप हाथ धो के आ जाओ ना साहब, मैं साफ कर लेता हूँ ना। सॉरी साहब। चल चल आजा आजा। सर इसमें जरूर कोई अंदर का आदमी है, उसके बिना ये बाहर जा ही नहीं सकता था। बात बोले कहा सर? सर तुम लोग ड्यूटी कर रहे थे या मजाक? वो कोई जेब कतरा नहीं, पाशा का शूटर था। गलती हो गई साहब, हम दोनों खाना खाने गए थे। और तुमने अपनी पोस्ट छोड़ी थी? साहब आधे मिनट के लिए बाहर गया था हाथ धोने के लिए। और जब तुम यहाँ से गए थे कौन था इधर? सिर्फ शरीफ डब्बा आया था। और डब्बा वाला तुम्हें कच्चा चबा कर चला गया। उसका स्केच बनवाओ, पता लगाओ साला कहाँ रहता है। गो। तुम्हें पाशा के पूरे नेटवर्क को जाम करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि ये दत्तू को शहर से बाहर भेजने की पूरी कोशिश करेगा। सर मुझे पूरा यकीन है इस सब में वो शरीफ डब्बे का हाथ है। एक बार साले का स्केच बन जाए देखते हैं कहां तक भागता है। शहर के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, पूरा शहर खोद डालो, लेकिन ये आदमी मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। कालिया मेरी चेहरा पट्टी हो गई साले, अब पागल कुत्तों की तरह ढूंढेंगे एनकाउंटर वाले मुझे। तो अब क्या करेंगे भाई? मैं कुछ टाइम के लिए गुल हो रहा हूं, लेकिन धंधा यूं ही चलते रहेगा। तू डब्बा सर्विस संभाल, मैं साला पेडलर लोगों से पैसा निकालूंगा। भाई मैं तो कहता हूं पाशा भाई की मदद ले लेते हैं अपन लोग। सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी गाड़ी सिंगल सीट है, अकेले काम करो, अकेले मावा खाओ, और तू अपना मुंह बस बंद रख, समझा? और मैं तेरे को इधर ही ठोक डालूंगा। चल
है। तुम तो शरीफ के पीछे ऐसे पड़े जैसे तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है। नहीं सर, नथिंग पर्सनल। पर एक ऐसा भेड़िया जिसने एक दिन दाड़े अस्पताल से एक शार्प शूटर को गायब करवा दिया, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं हो सकता सर। हो सकता है पाशा के लिए काम करता हो। ये तो है, शरीफ है बड़ा शातिर, लेकिन कब तक बचेगा सर? एक ही हालात में जन्मे दो लड़के, शरीफ डब्बा और अचल। दोनों ने बुलंदियां हासिल की, पर एक ने जुर्म की तो दूसरे ने फर्ज और ईमान के दायरे में। कहते हैं सिर्फ बुराई से दूर रहना ही काफी नहीं होता, उसे दूर करने के लिए मुहिम भी छेड़नी पड़ती है, और यही अचल और उसकी एलीट स्क्वाड की टीम कर रही थी। उन्होंने जनता का सुख चैन छीनने वाले दुश्मनों के खिलाफ कर दिया था ऐलान जंग। पर ये जंग जरा दिलचस्प थी, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के बीच थी, गैंगस्टर शरीफ डब्बा और पुलिस की वन मैन आर्मी अचल के बीच। शरीफ ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था और पुलिस उसे पकड़ पाने में नाकाम थी। ऐसे में अचल जैसे अफसर ने खाई कसम शरीफ डब्बा को मिटाने की। कैसे हुआ मुमकिन ये महा इनकाउंटर? शरीफ डब्बा बहुत दूर तक भागकर नहीं जा पाएगा, लेकिन जिन लोगों को हम अभी पकड़ना चाहते हैं वो लोग कोई और। ये फोटो ध्यान से देखिए, ये अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं हैं, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड से ज्यादा खतरनाक है। ये आतंकवादी हैं, और अब तक हमारा सामना रेपिस्ट, शार्प शूटर्स, स्मगलर्स से हुआ है, लेकिन ये आतंकवादी किसी अलग मिट्टी के बने हुए हैं। ये हमारी देश की मिट्टी से नफरत करते हैं और हमारे देश की मिट्टी को मासूमों के खून से रंगना चाहते हैं ये लोग। इस बार इन्हीं का खून बहेगा सर। इंटेलिजेंस अलर्ट है, कल ये लोग बॉम्बे पहुंचने वाले हैं अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, और इससे पहले कि ये लोग भीड़ में गुम हो जाए, वी हैव टू अरेस्ट देम। और ध्यान रहे, आतंकवादियों से ये हमारा पहला एनकाउंटर होगा। उनके हाइड आउट्स की सारी डिटेल्स में आर यू रेडी ऑफिसर्स? सर। अच्छा है सर, बहुत दिनों से एक्शन देखा नहीं था, हाथ बहुत उतावले हो रहे थे। अपने हाथों को ज्यादा उतावले ना हो, आतंकवादियों को पकड़ना है, ठोकना नहीं है। अजय, अचल, हमें जो भी करना है मिलकर करना है, टीम है तो हम है, ये बात कभी भूलना नहीं। सर, जो मौत से कभी कर ले नजरे चार उसे जाबाज कहते हैं, और जो हर पल अपने पहलू में लिए घूमता हो मौत तो उसे क्या कहते हैं? बताइए बताइए, उसे अचल और उसकी एलीट एनकाउंटर स्क्वाड कहते हैं। अचल और उसकी टीम अक्सर एनकाउंटर के लिए अपनी मौत को ललकार रहे थे, उसे मात देकर किसी क्रिमिनल की कहानी का अंत लिखकर कानून और व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। यही उनका नशा था और यही उनका जुनून। एक तरफ मुंबई से जुर्म का सफाया करने के लिए उनकी टीम कुर्बानियां दे रही थी, तो दूसरी तरफ शरीफ डब्बा जैसे गुनहगार शहर को जख्म पे जख्म दे रहे थे।
श्योर होना पड़ेगा कि अंदर कितने लोग हैं। बंगला तो छोटा सा ही है, अंदर 10-20 लोग भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वक्त अंदाजा लगाने का नहीं, एक्शन लेने का। कि लोकल से पता करते। ए! सुनो जी, उस बंगले में कौन रहता है? पता नहीं साहब, ये तो काफी टाइम से खाली पड़ा है। क्यों साहब? नहीं कुछ नहीं, खरीदने का सोच रहा था। ठीक है, यहाँ कोई नहीं रहता, ये कोई सेफ हाउस नहीं, वेटिंग रूम है। तो इंतजार किस बात का है? धर लेते हैं दोनों को। सब्र का फल मीठा होता है, जल्दबाजी का खट्टा। दोनों की खिटपिट बंद हो गई हुई तो चलें, बहुत काम है। गले वले मिलने में ध्यान बटेगा इनका, इनका मूव हमारा क्यू होगा। ओके सर, मूव। मुंबई पुलिस, अरेस्ट देम। मार के शहीद नहीं करूंगा, तेरी सजा है जिंदगी जिएगा। बस एक आखिरी काम, और इतना पैसा अंदर आ जाए कि कुछ समय के लिए अचल और इस पुलिस की मचमच से दूर हो सकू। अबे शरीफ डब्बा, कान खोल कर सुन ले, मैं तुम जैसे लोगों से डरता नहीं और एक पैसा नहीं दूंगा। अब फोन रख, नहीं तो अभी एनकाउंटर स्क्वाड को फोन करके तुझे ऐसी जगह पर पहुंचा दूंगा जहां तू बोलने लायक नहीं रहेगा, समझे? फोन रख। किसे मारूं? अरे नहीं शरीफ भाई, नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। एक होका लेकर साइन कोलीवाड़ा म्युनिसिपैलिटी स्कूल के पीछे वाले फैक्ट्री में आ जाना। शरीफ भाई, वो इतने पैसे अभी है नहीं मेरे पास। 24 घंटे तुम्हारे पास, उसके बाद एक एक करके लाश गिरेगी। ठीक है शरीफ भाई, शरीफ भाई। हाँ इंडस ट्रैवल एजेंसी, अपने को एक टिकट भारन के लिए चाहिए परसों। हाँ बिल्कुल, अकेला। और सुन, वन वे, एक तरफा टिकट दे। कंप्लेन लिखा के आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। इंस्पेक्टर, आपके बहादुरी के किस्से मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। बस मेरे फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। घबराइए मत, एक बार भी बाका नहीं होगा उनका। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। वैसे भी खबर मिली है कि इस बार वो अपने पूरे गैंग के साथ आएगा। ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं अपने सारे काम अकेले करता हूँ। ये तो साला पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ा है। कुत्ते साले, मजबूरी में तुम लड़कों के साथ काम कर रहा हो। एक बात याद रखना, अगर काम सही से किया तो
तो तुम लोगों को माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी जान को थोड़ी भी तकलीफ पहुंचे तो तुम्हारी जान कई समझो, ठीक है? अचल, अजय, ध्यान से सुनो। जब तक ये हॉस्पिटल का मालिक यहाँ से निकल नहीं जाता, कोई फायरिंग नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं। Is that clear? Sir. मेरी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली को तो कुछ नहीं होगा ना? जब तक तुझे मेरा दूसरा कॉल नहीं आता, तब तक तेरी फैमिली सेफ। मैं कुछ नहीं करूँगा। साइको वाइको थोड़ी हूँ, बस छोटा सा बिजनेसमैन। रोक। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये शरीफ बहुत चलाक है। शायद उसे सुन के भी पता चल चुका होगा कि हम इधर हैं। नो, वो नहीं मारेगा उसको। जब तक ये हॉस्पिटल का मालिक यहाँ से निकल नहीं जाता, कोई फायरिंग नहीं करेगा। मेरा बचपन इन फैक्ट्री गलियों में गुजरा है। यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। आज भी यहाँ कुछ ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर अगर आदमी छुप जाए तो कभी पकड़ा ना जाए। वहाँ पर छुपने से पहले इस टाव का तुम्हें गेम ही बजा देता हूँ। सर, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अब मैं और नहीं रुक सकता, सॉरी। गोली चलाना, साला जो भी पुलिस को गिराएगा उसको 10 पेट इनाम। कितनी अजीब बात है ना शरीफ, तू और मैं दोनों यहीं पले बड़े और आज हम में से एक यहीं खत्म हो जाएगा। तूने गलती की साले, वन मैन गैंग था ना, वैसे ही रहना चाहिए था। गलती की जो तूने अपना गैंग खड़ा कर दिया। तू गया साले। बस क्या इंस्पेक्टर, बंदूक की नोक पे तो सभी शेर बनते हैं। अच्छा, पता है तू शेर नहीं गीदड़, जो आज कुत्ते की मौत मरेगा। ठीक है, देखते हैं कौन गीदड़ है, कौन शेर।
अचल की एक गोली ने अंडरवर्ल्ड के आसमान पे अकेले उड़ रहे शरीफ को धरती पे गिरा दिया, सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए। शरीफ डब्बा एक मिसाल है इस बात की कि पैसा, पावर और वर्चस्व की अमिट भूख कैसे एक इंसान को निगल जाती है, कैसे उसकी सोच, उसके विवेक, उसकी अच्छाइयों को डस लेती है। गैंग के साथ कुछ गलत कामों में शरीफ डब्बा को सफलता क्या मिल गई, उसका अहंकार उससे भी बड़ा हो गया। अकेला अपनी आर्मी बना फिरता था, खुद को अजय अमर मान बैठा था, पर इतिहास साक्षी है कि जब जब धरती पे कोई शरीफ डब्बा वाला पैदा हुआ है, तब तब किसी कोने में बैठा कोई अचल सामने आया है और उसने अस्त्र उठाया है, उसे मिटाकर उसकी गिरफ्त से इंसानियत को छुड़ाया है। मैल्कम एक्स ने क्या खूब कहा है कि कभी कभी बंदूक नीचे रखवाने के लिए भी बंदूक उठानी पड़ती है।